दोस्तों अगर इंडिया में देखेंगे तो सबसे बड़ी जो जायंट कंपनी है ईवी इंडस्ट्री में वो सिर्फ और सिर्फ ओला है राइट नाउ। अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर चुकी हुई गाड़ी और सबसे ज्यादा गाड़ी सेल करने वाली कंपनी ओला बन चुकी है। इस साल में तो भैया टॉप पे ही चल रही है ओला कंपनी। और ये जो सबसे बड़ा जो फेरबदल देखने को मिल रहा है, इसमें सबसे बड़ा हाथ है इनका एक्सपीरियंस सेंटर का। एक जो भरोसा हुआ है ना लोगों को इस गाड़ी का जो एक्सपीरियंस सेंटर ओपन होने से, उस कारण से इस गाड़ी की बुकिंग और ज्यादा हो चुकी है, और भी ज्यादा। और ये चीज बहुत ज्यादा रेप्लिकेट करता है कंपनी के रेवेन्यू को इंक्रीज करने में, क्योंकि जो बंदा ओला की गाड़ी परचेस करने जाता है वहां पे वो एक्सपीरियंस कर सकता है, टेस्ट राइड ले सकता है, उसके बारे में नॉलेज गेन कर सकता है, गाड़ी में क्या फीचर्स है वो देख सकता है, गाड़ी में कैसे कैसे फाइनेंस मिल सकता है वो देख सकता है, बुक कर सकता है, डायरेक्ट उस शोरूम से वो डिलीवरी भी ले सकता है। मतलब सब कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। इनिशियल फेज में ओला सिर्फ और सिर्फ डिजिटल था, वहां पे सब कुछ आपको ऑनलाइन करना पड़ता है, सब कुछ आपको ऑनलाइन ही डिपेंडेंट होना पड़ता है। बट अभी के टाइम में देखेंगे तो डिपेंडेंसी धीरे धीरे खत्म हो रही है। 11 सिटीज में लगभग 50 एक्सपीरियंस सेंटर ये ओपन कर चुके हैं। ये आंकड़ा बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा होगा, बट ये आंकड़ा अब सुनने में अच्छा लगेगा, क्योंकि इस साल के अंत तक कंपनी 200 एक्सपीरियंस सेंटर ओपन करने वाली है। रिसेंटली पुणे बेंगलोर में आप लोगों ने सुना ही है एक्सपीरियंस सेंटर ओपन हुए हैं, और रिसेंटली 14 इन्होंने एक्सपीरियंस सेंटर को ओपन किया है, और सेम ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस सेंटर को बढ़ा रहा है और इस साल के अंत तक 200 एक्सपीरियंस सेंटर बना लेंगे, जो कि देखा जाए तो एथर को बहुत तेज कॉम्पिटिशन देखने को मिल रहा है ऐसे केस में, क्योंकि एक्सपीरियंस सेंटर एथर के केस में थोड़े कम देखने को मिल रहे हैं अपार्ट फ्रॉम ओला। ओला ने क्या किया है, धीरे धीरे जिस हिसाब से डिमांड बढ़ रही है वैसे वैसे ये एक्सपीरियंस सेंटर को एक्सपांशन कर रहे हैं, और यही एक प्लस पॉइंट है ओला की ग्रोथ का आगे फ्यूचर में भी। इसके अलावा मैं आपको एक और अपडेट देना चाहूंगा। भावेश अग्रवाल जी ने आज एक ट्वीट करके एक सवाल भी पूछा है कि आपको किस टाइप की गाड़ी पसंद है, उसका ब्रांड और उसका नाम जरूर बताना कि कौन सी गाड़ी है, कौन सा ब्रांड है, वो आईसी इंजन में है या ईवी में है, जरूर कमेंट करके बता रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ ना, बाइक बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि कंपनी आजकल 1 से 1.5 महीने पहले से हिंट देना स्टार्ट करती है, और भावेश अग्रवाल जी अब जो हिंट देना स्टार्ट कर चुके, बहुत फ्रीक्वेंटली देना स्टार्ट कर चुके। मोस्ट प्रॉब्ली जो 26 जनवरी होता है उस दिन आपको बहुत बड़ा कुछ न्यूज देखने को मिला, क्योंकि हिंट से ही मेरे को समझ में आता है कि कंपनी कुछ बड़ा लाने वाली है आगे, और बहुत जल्दी लाने वाला है। बाइक तो मेरे को लगता है बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा, बट हाँ डिपेंड करता है कि कौन सी बाइक आएगी। मेरे को लगता है कि स्पोर्ट टाइप की आएगी। आपको क्या लगता है कि किस टाइप की बाइक आने वाली है? कंपनी ने बहुत सारे हिंट दिए कि क्रूजर भी हो सकती है, टूरिंग भी हो सकती है, ट्रीट भी हो सकती है, इवन स्पोर्ट्स भी हो सकती है। सो देयर इज एन नंबर ऑफ वैरायटीज इन मार्केट जो आप देख सकते हैं व्हीकल्स में, बट ओला क्या ला रही है वो डिपेंड करता है ओला के ऊपर, तो वो भी बहुत जल्दी रिवील हो जाएगा। आशा करता हूं आपको ये न्यूज और ये अपडेट अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना, नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, अच्छे तो पीछे कर देना। मिलते अगले वीडियो में। जय हिंद।